जनपद के ग्राम पंचायतों को 14वें और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित बैठक अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 14वें और 15वें वित्तीय आयोग से प्राप्त धनराशि के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की गई तथा नगर पंचायतों को उपलब्ध कराए गए धनराशि के संबंध में भी जानकारी हासिल की गई। इस दौरान एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने ग्राम पंचायतों में ठेकेदारों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की भी समीक्षा की और उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। नया ये आ गया, एसओपी आ गया कि आगे हम कैसे, जो हमारी निर्माण परियोजना एसओपी है, इसमें पहला सामान्य सिद्धांत यही है कि किसी कार्य का आग्रह उसी दशा में तैयार किया जाना चाहिए जिसके लिए नगर पालिका के बजट में प्रावधान उपलब्ध हो। दूसरा है कार्य की प्रशासनिक तकनीकी में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अगर ठेकेदार 3-4 काम करा रहा है तो एक ही लेटर उस पर सब कार्य का अलग अलग अनुबंध होगा, कार्य के हिसाब से अनुबंध। अच्छा, और उसमें कितने का स्टैंप लगेगा? से अभी धरोहर धारणा कर ली जाएगी, 100 रुपये वाला स्टैम्प लगेगा या उसके अनुसार लगेगा? 2% की 2% का 2% का लगेगा, तो 2% का स्टैम्प लगेगा। दो आपके यहाँ लगता है 2% का? हमारे अभी दोनों व्यवस्था कर रहे हैं, अभी 100 रुपये पे भी और 2% के भी। अच्छा, तो आप पहले से ही ये अनाउंस कर दें कि भाई 2% का रहेगा, तो आदमी कोर्ट करते समय ये चीज़ देखेगा कि मैं 2% का स्टैंप लगेगा। 2.5% आयकर भी कटता है इनका? हाँ, वो तो बोल रहे हैं 2% आयकर कटेगा, 2% इस पे खर्च होगा, 4% हो गया, और क्या GST वगैरह भी कटेगा? GST हमारे एस्टीमेट में इंक्लूडेड, GST तो हम देते हैं, केवल आयकर और अनुबंध का पैसा उनको देना होगा। लेबर सेस भी उनको देना होगा, 1% हमें लोग देंगे, लेबर सेस हम उनको देंगे। अच्छा, डिडक्शन करेंगे तो इसमें आदित्य में सर ऑब्जेक्शन आया था कि लेबर सेस बिल में ऐड न किया जाए, बिल से कटौती किया जाए, तो सर इस पर कोई स्पष्ट आदेश है नहीं सर? तो वो बार बार ऑब्जेक्शन आ रहा सभी नगर पंचायतों में कि हमारे का भी कर सकते हैं? नहीं, वो तो एग्रीमेंट ठेकेदार पसंद है, मैं एग्री करती। इसका मतलब कि हमने उसको 100 रुपये के काम के लिए 98 रुपये ही दिया और काम 100 रुपये का लिए काम के लिए नहीं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि एक मैटर पास गाँव का चल रहा है जिसको उनका GST जमा तो की है, लेकिन वो किस कार्य के विरुद्ध की है, कौन से काम का GST जमा किया है, इसका हमें लेकर दिखाई नहीं मिल पा रहा है। वो तो ठेकेदार बस किस काम के दोनों। मैं अपनी बात फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने 20 काम किए उसके विरुद्ध हमारी 1,00,000 रुपये GST बनती है, हमने 50,000 रुपये GST जमा कर दिया और आपको बता दिया साहब आपके काम के विरुद्ध कर दिया, आपको बता दिया साहब आपके काम के विरुद्ध कर दिया और हमने एक्चुअली 50% ही जमा किया, तो फिर से पकड़ेंगे जितना पेमेंट होगा। मेरा प्रश्न अभी भी यही है, और 1,00,000 रुपये उसको जमा करना था, उसने 90,000 जमा किया, अब हमें कैसे मालूम चले कि हमारे वाले कार्यकारी जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ? ये वाइफिकेशन हो नहीं सकता। हाँ, हमारे वाले कार्य का तो जमा होना चाहिए, तो हमने उसको 10% पे कर दिया, तो इसका जमा करने के साथ वो प्राप्त होगा या वो जमा करते हैं 10% की नहीं करते हैं? हमारे नगर पंचायतों से जमा नहीं हो रहा था, हमारी नगर पंचायतें डिफॉल्टर थी इसलिए ऐसा कर दिया गया। नहीं, सर फर्म अभी भी नहीं जमा करेगी। अच्छा अच्छा, पहले आप पूरा 12% उनको दे देते थे, पहले आप पूरा उनको 12 दे देते थे, अब आप 2 करके जमा करते हैं जिससे उनका किसी से पकड़ लिया।